Hello everyone, this is Yasa with another video, and in this video we're going to talk about the important questions related to the chemistry paper 1 for board 2019 exam. बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पेपर 1 की भी वीडियो बनाइए, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे, एक हफ्ते का टोटल टाइम लगा, जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर मतलब पास्ट पेपर लिया था और उसमें ढेर सारा ट्राई एंड एरर किया, देखा कि कौन से क्वेश्चंस जो इस बार पूछे जा सकते हैं और किसकी पॉसिबिलिटी कम है. तो ये सब करने के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड की है. आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि जिनका गोल 90% लाने का है, आप बिल्कुल ये वीडियो मत देखिए बच्चों. योर टारगेट इज़ डिफरेंट और आपको सारे क्वेश्चन करना है. ओके, यू शुड नॉट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन. समझ में आ रही है आपको बात? ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री में थोड़ा पास होना डिफ़िकल्ट है, या फिर अच्छे थोड़े से 60% फर्स्ट क्लास लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उनके लिए वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पेपर 1 की वीडियो. तो देखते हैं आप, सबसे पहले जो चैप्टर है वहाँ पे है सॉलिड स्टेट, और अगर आप सॉलिड स्टेट का वेटेज देखें तो ये है 4 मार्क्स. और आप देख रहे हैं ये पेपर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक, जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 8 मार्क्स. अब आप कुछ लोग ये सोचते होंगे कि सर आपने यहाँ पे विथ ऑप्शन मार्क्स क्यों नहीं मेंशन किए. तो जैसे कि बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी मेरी पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस बार का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आप ये मान के चलिए कि जितने मार्क्स हैं उनसे 1 या 2 मार्क्स यहाँ वहाँ ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा. तो हमारे जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन कोलिगेटिव का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, देन थर्मोडायनामिक्स देखिए 6 मार्क्स का चैप्टर है, और फिर एक चैप्टर जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो है कि 3 मार्क्स का, और इसे हम NCERT में मेटलर्जी के नाम से बुलाते हैं. तो आई होप यू वुड बी नोइंग दिस. ठीक है, तो ये सारे हमारे वेटेज हो गए. अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट. तो ये आ गया सॉलिड स्टेट और ये हो गए उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आप देख रहे हैं सॉलिड स्टेट में मैंने सबसे पहले मेंशन किया है कि आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का डेरिवेशन ज़रूर करना है. डेंसिटी मतलब जैसे कि BCC है, जैसे कि FCC है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है. ओके, सो BCC है, FCC है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और उसका बकायदा डेरिवेशन आपको आना चाहिए. अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो उसके डेरिवेशन को बकायदा अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर उसी पे आपको न्यूमेरिकल भी करने आना चाहिए, न्यूमेरिकल डेंसिटी पे. बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा मैं, कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन जीरो वाला फॉर्मूला यूज़ किया था, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक में दिया हुआ है, जिसे बच्चे बोर्ड के लिए जनरली रिफ़र करते हैं. बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्टेट बोर्ड में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है. स्टेट बोर्ड में ये फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है, तो जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, यू हैव टू फॉलो दैट ओनली. ओके, द वे दे हैव सॉल्व द क्वेश्चन इन आर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट वे ओनली, अदरवाइज यू कैन लूज योर मार्क्स. ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ कीप इन माइंड. देन कम्स नेक्स्ट टू द पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट, दैट इज डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. यू ऑल नो दैट द डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप जनरली, विच इज बिंग आस्क्ड इज फ्रैंकल डिफेक्ट, और जो दूसरा है वो है स्कॉत्की डिफेक्ट. ओके, तो ये 2 डिफेक्ट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए डिटेल में, और इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा कि किस में ये डिफेक्ट दिखते हैं. देन कम्स बैंड थियरी. अगर आपको बैंड थियरी के बारे में आइडिया नहीं है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ. बैंड थियरी इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इसमें 2 बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड. ओके, इन दोनों बैंड के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो जो मटीरियल है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और अगर गैप बहुत कम है या फिर ओवरलैप है देन इट बिहेव्स एज एन मेटल. अगर दोनों बैंड ओवरलैप है तो वो मेटल जैसे काम करता है, और अगर उनके बीच में गैप स्लाइट है, जिसे हम अगर हीट करते हैं,
तो अगर अगर हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर सकता है, तो ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ओके, जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम ये कैटेगरी में आते हैं। देन नेक्स्ट कम्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हमने सॉलिड को क्लासिफाई किया है, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं, दैट इज डायमैग्नेटिक, देन कम्स पैरामैग्नेटिक, ओके, उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो कि परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के, ओके। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि कौन से सब्सटेंस डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं और कौन से पैरामैग्नेटिक की तरह और कौन से फेरो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं इसको यहाँ पे, कि आप जब भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आंसर लिखेंगे तो उसमें आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जो पैरामैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट होते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। देन कम्स क्रिस्टल सिस्टम। तो आपको पता होगा हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक एंड देन कम्स हेक्सागोनल। ये हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें फिर हम बेसिक टाइप पढ़ते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, देन कम्स एफसीसी एंड देन कम्स बीसीसी, और फिर एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं एंड सेंटर। एंड सेंटर ऐसे मिला के टोटल अलग अलग टाइप के हमारे पास टोटल 14 ब्रेवियाज लैटिस हो जाती हैं। तो आपको ये क्रिस्टल सिस्टम बाकायदा याद होना चाहिए, और प्लस उनकी एज लेंथ, ओके, एक्सियल लेंथ, या फिर इसे थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूँ, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे डिस्टर्ब टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, और क्यूबिक जो है वो सबसे यूनिफॉर्म टाइप का है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारे पास जो सॉलिड की कैटेगरीज है वो 4 हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर आता है, आयनिक आता है, कोवलेंट है और मेटालिक है। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ, जो मॉलिक्यूलर है वो आगे चल के फिर 3 टाइप में क्लासीफाई हो जाता है, पोलार, नॉन पोलार एंड द लास्ट वन कम्स आउट टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये आपको उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन से हैं, ये सब ये सारी चीज़ों को बकायदा एकदम अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देर आर 3 टाइप। द फर्स्ट वन इज नॉन पोलार, द सेकेंड वन इज पोलार एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको पता होगा नॉन पोलार में आ जाता है CO2, जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, और इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं लंडन फोर्स। जी हाँ, ये एक टाइप का वीक वैंडरवाल फोर्स है, और पोलार के बीच में होता है डाइपोल। डाइपोल वापस बोलता हूँ मैं, पोलार जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा आइस, तो आई होप आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अलग आगे वाले एग्जाम्पल पे, दैट इज आयनिक। तो आयनिक में आप सबको पता है देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऐसे सॉलिड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो जनरली सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बट इधर इन मोल्टेन और इन एक्वस स्टेट। ठीक है, अब आ जाइए कोवलेंट में। तो कोवलेंट में भी हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल है, वी हैव डायमंड जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हर एक कार्बन जो है उसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और जाइन नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है इसका। देन वी आर हैविंग ग्रेफाइट जो कि कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हर एक कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। एंड द लास्ट वन इज फ्यूलरी, ओके, इसमें भी हर एक कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज के, एग्जाम्पल C60 के, C32, C30, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। देन कम्स मेटालिक बॉन्डिंग जो कि कर्नल्स और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है,
kernels and sea of electrons, जिसकी वजह से मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो बच्चों आप इतने क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं तो आई होप आपका सॉलिड स्टेट का जो क्वेश्चन है वो ज़रूर बन जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले चैप्टर की तरफ, जो कि है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये आ गया हमारा चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने बताया है वो बताया है रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि वेंट ऑफ फैक्टर होता है आई और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कुछ इस तरह का है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आई इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इसका एक डेरिवेशन है, बड़ा खूबसूरत सा डेरिवेशन, जो आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे न्यूमेरिकल इस साल की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है ये। ठीक है, देन कम शॉर्ट नोट्स। आपको जैसे कि डेफिनेशन आना चाहिए, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी का, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर ऑस्मोसिस, देन कम्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन कम्स हाइपरटोनिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता ही होगा, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। देन कम्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, तो उसे हम हाइपोटोनिक कहेंगे। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे मोर बोल दिया, हाइपो मतलब लेस होता है, हाइपो मतलब लेस, और हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा। ओके, देन कम्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है द एक्सेस प्रेशर क्रिएटेड टूवर्ड्स द साइड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन सो दैट फर्दर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल स्टॉप। मतलब ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो सॉल्वेंट पार्टिकल के मूवमेंट को रोक देता है। ठीक है, देन कम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपको पता होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हालांकि जो सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये जो आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे मैंने ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर बना रखा है, और आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने ये पूरे चैप्टर को ही पढ़ा दिया है। तो अगर इसमें आपको किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, सॉल्यूशन चैप्टर को ओपन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, वी काफ़ी टाइम शुड बी रिलैक्स, मतलब बट रिलैक्स मतलब ये नहीं कि आप पढ़ो ही ना बिल्कुल, कि सर के इंपॉर्टेंस मिल गए। अब तो कैसा है बच्चों कि सारे टीचर्स जो हैं वो अपलोड अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंपॉर्टेंस अपलोड करेंगे, बट आपका काम क्या है, पढ़ना है। आप इंपॉर्टेंस कहीं से भी लो बट उसे पढ़ो, पता चला इंपॉर्टेंस सब है बट आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए हम थोड़ा टॉपिक से इधर हो गए, आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं वापस। तो आप देख रहे हैं राउल्स लॉ, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट है, और IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं में काफ़ी पूछा जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इसका। ओके, फिर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के पूरे एक सेक्शन को ही लिख दिया है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। देन कम्स मोलारिटी, मोलालिटी राउल्स लॉ के ऊपर भी जो न्यूमेरिकल है, मोलालिटी आप सबको पता है इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वान्टिटी, और जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है, मोलारिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, मोलालिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m, जिसमें डेल्टा TB जो है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, KB है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और जो m है वो है मोलालिटी। ठीक है बच्चों,
और फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर आप ले लोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट में यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और वो हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ जो है उसे हम कहते हैं मोलार डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, ओके, उसे हम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, तो आप देख रहे हो ग्राफ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ और फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये ग्राफ से रिलेटेड मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आप ग्राफ देखेंगे वो कुछ इस तरह से होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, अपने टेक्स्ट बुक अगर देखा हो, और यहाँ पे होता है एटमोसफेरिक प्रेशर, ओके, और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ओके। तो अब इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए एकदम, ताकि आपके सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप बेहतरीन तरीके से उसे सॉल्व की करें और अपना मार्क्स जरूर लें। तो अब हम बात करते हैं अपने नए चैप्टर के बारे में, जो कि है थर्मोडायनामिक्स, जिसका वेटेज काफ़ी अच्छा है और ये 6 मार्क्स का है। तो बच्चों आप एक चीज़ तो अपने दिमाग में ज़रूर बिठा लीजिए कि आप इस चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली सीबीएसई है। तो अगर आपने कुछ छोड़ा और वही क्वेश्चन आ गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिए, देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो मैंने मेंशन किया है वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। इन दोनों का डेरिवेशन बच्चों आपको आना चाहिए कि इन दोनों को डिराइव कैसे करते हैं। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में आपने देखा होगा, इरिवर्सिबल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू dV या फिर डेल्टा V, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 of V2 अपॉन V1, अगर प्रेशर लिया है तो P1 अपॉन P2 कुछ ऐसा हो जाता है। तो इनके डेरिवेशन आप ज़रूर कर लीजिए बच्चों, और अगर आपको डेरिवेशन आ गया है तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि आप इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिए, क्योंकि अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। देन कम्स हैस लॉ, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और जेई पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अगर आप इसे अभी कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन भी अच्छा हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में हैस लॉ होता क्या है। हैस लॉ बोलता है कि एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन रिमेन सेम वेदर अ रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप, मतलब आप रिएक्शन को एक स्टेप में कीजिए या फिर ढेर सारे स्टेप में कीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा फिक्स होगी, चाहे एक स्टेप में किया गया रिएक्शन या फिर हजारों स्टेप में किया जाए, ठीक है। तो ये हो गया। देन कम्स कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी की क्या कंडीशन है। तो इसमें आपने देखा होगा एक टेबुलर फॉर्म में और टेक्स्ट बुक की लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू कलर में दिया होगा कि कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी होती है कुछ इस तरह से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन पे हम डिसाइड करते हैं। तो जो सबसे स्टैंडर्ड कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की वो कुछ इस तरह से है कि जो डेल्टा एच का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए नेगेटिव, और डेल्टा एस की जो वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव। तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। अगर इसी की जगह पे मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दूं और डेल्टा एस को नेगेटिव कर दूं तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनिटी की, ठीक है। फिर उसके बाद दो और आती है, दो और कंडीशन आती हैं, एक जिसमें आप टेम्परेचर को कम करोगे तब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और एक जिसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। टेम्परेचर को कब बढ़ाओगे, जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर को कब कम करोगे, जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसा है, या फिर आप टेबल में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी डिटेल में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप वो टेबल को देख लीजिएगा एक बार। देन कम्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं जिसमें डेल्टा एच है एंथाल्पी चेंज एंड डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज पी डेल्टा वी, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। डेल्टा एच जो होता है वो होता है एंथाल्पी चेंज एंड डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे जो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर जो है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उसे भी आप बच्चों ज़रूर कर लीजिए।
देन कम्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी. यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉन्ड एनर्जी और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए, ठीक है. देन कम्स टू दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन. जी, आपको कोई कंबर्शन रिएक्शन दिया जा सकता है और उसके बिहाफ पे रिएक्टेंट के अमाउंट को चेंज करके टोटल कितनी हीट रिलीज हुई है कंबर्शन प्रोसेस में वो पूछा जा सकता है. और फिर आपको एंट्रोपी पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंट्रोपी सिस्टम की इतनी है और यूनिवर्स की इतनी है तो व्हाट विल बी दी एंट्रोपी ऑफ दी सराउंडिंग, ठीक है. तो इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं और आप एंट्रोपी की डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा. देन कम्स रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, जो कि आप जानते ही हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग ऑफ क्यू. और यहाँ पे क्यू जो है वो है रिएक्शन क्यूशेंट. और इक्विलिब्रियम पे हम सब जानते हैं कि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो हो जाती है 0. तो फिर हमें मिल जाता है ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग ऑफ क्यू के जगह पे, अब क्यू के जगह पे यहाँ पे आ जाता है के, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसे बिल्कुल भी छोड़ने की डिज़ायर मत रखना, ठीक है. चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ. हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक काफ़ी सिंपल चैप्टर है, बट जैसे ही नॉन्स्ट इक्वेशन आता है बच्चे घबरा से जाते हैं, बट ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है नॉन्स्ट इक्वेशन. आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने नॉन्स्ट इक्वेशन छोड़ दिया तो इस बार के लिए 2019 के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर कीजिए. सिंपल सा इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोडिक सोल्यूशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोडिक सोल्यूशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोडिक सोल्यूशन, ऐसे आ जाता है. और ये ई नॉट सेल होता है और ये ई सेल होता है, और नॉन्स्ट इक्वेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज कंप्लीट सेल एज वेल एज हाफ सेल. देन कम्स फराडेज लॉ. तो बच्चों फराडे का दो नियम है जो कि आपको आना चाहिए, और साथ में इसके न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल से इसके न्यूमेरिकल होते हैं, ईजिली सॉल्व हो जाता है. और आपको टेक्स्ट बुक में मोल रेशियो का फंडा दिया हुआ है, उसी को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है. तो फराडे का जो पहला नियम है वो ये बोलता है कि जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है. ओके, द मास डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैट. ये सिंपल सा फराडे लॉ है. उसका जो द्वितीय नियम है, जो सेकेंड नियम है, वो ये कहता है कि वेन टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो उनके मास डिपॉजिट होंगे, तो जो उनके मास डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड पे वो इन उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होंगे. ओके, या फिर उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फराडे के दो नियम होते हैं और दोनों आपको पढ़ना है. और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो टेक्स्ट बुक की होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी मैंने जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोला, सॉरी सेकेंड जो फराडेज लॉ बोला, वो उसके जो लैंग्वेज है वो टेक्स्ट बुक से मैच नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे हमारी जेई पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी प्रैक्टिस उसी की हो गई है. तो हालांकि ऐसा होता है कि हम कभी कभी उसके स्टेटमेंट बोल लेते हैं. अब एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है ये काफ़ी सिंपल है, ऐसे चीज जिसे हम कहते हैं सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जी, गलती नहीं, स्टैंड फॉर सिंपल नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं. हालांकि इसके कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन 1 molar रख पाना, प्रेशर 1 atmosphere रख पाना हाइड्रोजन गैस का. ओके, और ये सब काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, तो इसीलिए SHE को हमने अवॉइड करके कैलोमल यूज़ किया, जिसमें हम सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं या फिर जैसे नॉर्मल KCl सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, और जिसका पोटेंशियल हम फिक्स मानते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है. तो आप इनका ज़रूर पढ़ लीजिए और इसे डायग्राम के साथ पढ़ना, और प्लस सेल रिएक्शन, उनके सेल रिएक्शन क्या होते हैं उस पर भी आप नज़र डाल लीजिएगा. देन कम्स अ वेरी सिंपल वन कॉल्ड एज कोलरॉस लॉ. कोलरॉस लॉ बहुत ही सिंपल है, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल होते हैं, तो आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा.
ये बात करता है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, देन कम्स इलेक्ट्रोकेमिकल थियरी ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन ये जो है, ये जो रस्टिंग का प्रोसेस है, ये कम्प्लीटली होता कैसे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होता है ये होता है नॉन रिचार्जेबल, और सेकेंडरी सेल जो होता है वो होता है रिचार्जेबल। इसमें आपको पहले एनोड का रिएक्शन लिखना है, फिर लिखना है रिएक्शन जो कैथोड पे होता है, और जब आप इसका रिचार्ज का लिखोगे तो सेम कैथोड के रिएक्शन को रिवर्स करके एनोड पे लिख दोगे, और एनोड के रिएक्शन को रिवर्स करके कैथोड पे लिख दीजिएगा, हो गया। तो आप ये सोचेंगे कि सर आप यहाँ पे सेल कॉन्स्टेंट को बताना भूल गए। तो बच्चों सेल कॉन्स्टेंट होता है बी इज इक्वल टू एल बाय ए विच इज के बाय जी। ओके, तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखिए, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे आपको, एकदम सिंपल सिंपल लॉलीपॉप जैसे न्यूमेरिकल होते हैं, और आप वो कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब देखते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके, उसका पूरा डेरिवेशन और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बच्चों तो ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका जो डेरिवेशन है उसमें आप जो फाइनल आंसर लाएंगे वो कुछ इस तरह से होगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में ए अपॉन ए माइनस एक्स के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, आपको जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है बोर्ड एग्जाम में एंड यू विल गेट दी आंसर। फिर उसके बाद आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें जो रेट होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका भी डेरिवेशन पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आप कंसेप्ट देखेंगे, तो आगे का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है, कैलकुलेटिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको टेबल के फॉर्म में न्यूमेरिकल मिलेगा, हालांकि काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल होता है इसका। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन्हें पता होगा इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले में सपोज आपको ए का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, फिर बी का, और फिर रेट देते हैं, और फिर अलग अलग कंडीशन पे इसे हम कंपेयर करते हैं। तो ये वाली मेथड आप देख लीजिए, और आई होप आप ज़रूर केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो मैं एक सिंपल सा बात बताऊंगा बच्चों, जो टेम्परेचर है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। हालांकि इसके ऊपर हमारे पास फॉर्मूला भी है, लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। ये फार्मूला है जिसे हमने डिराइव किया है आरएमएस इक्वेशन से, जो कि होता है के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, कुछ इस तरह से फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट आता है आरहीनियस कोलिजन थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी बच्चों, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आरहीनियस कोलिजन थियरी में कैसे आंसर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरहीनियस के हिसाब से केमिकल रिएक्शन तभी होते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, एंड दैट टू सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, वही कोलिजन जो इफेक्टिव होते हैं दे ओनली रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, तो उसमें भी अब बच्चों दो क्राइटेरिया होता है, एक होता है एनर्जी का और दूसरा होता है ओरिएंटेशन का। क्या जो कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल हैं उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं, अगर उसके साथ वो कोलाइड हो रहे हैं तो ज़रूर चांसेस है कि प्रोडक्ट बन जाए, और दूसरा उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अब आपको ये भी डाउट आता होगा कि सर ये ओरिएंटेशन क्या होता है, सिंपल, हर एक मॉलिक्यूल पे एक स्पेसिफिक साइट होती है जहाँ पे कोलिजन से ही प्रोडक्ट बन सकता है, अगर दूसरे साइट्स पे आप कोलिजन करें तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मैं इसे एग्जांपल से समझा देता हूँ कि सपोज़ आपके पास एक बिस्किट है और उसे खाना है, तो आप उसे अपने मुँह के अंदर लेंगे तभी आप खा पाएंगे, इधर उधर कहीं से भी कुछ होने वाला नहीं है। तो एक साइट होता है जहाँ पर रिएक्शन होती है। अब जो लास्ट पार्ट है ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का, वो है ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के और उनकी हाफ लाइफ के सारे ग्राफ को थरो कर लीजिए बच्चों। तो अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बच्चों काफ़ी इजी है ये,
आप एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, और अभी तो सफिशियंट टाइम है, दिस इज द मंथ ऑफ नवंबर। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ आपको, इफ यू स्टार्ट स्टडिंग कंटिन्यूसली 3 आवर्स फॉर द बोर्ड, आप जरूर 75 to 80% स्कोर कर देंगे बोर्ड में। जी, बोर्ड में स्कोर करना काफ़ी इजी है कंपेयर टू स्कोरिंग गुड मार्क्स इन IIT JEE एंड नीट, जिसमें हम ईयर लॉन्ग 2-3 साल तक प्रिपरेशन करना पड़ता है और एक काफ़ी हार्ड वर्क के बाद फिर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा केमिकल काइनेटिक्स, काफ़ी इजी चैप्टर। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है मेटलर्जी। तो ये आ गया हमारा चैप्टर बच्चों, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट मेटलर्जी कहते हैं। तो आप इसे NCERT में या फिर JEE के सिलेबस में आप इसे मेटलर्जी ही पाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैं नाम बता रहा हूँ, इतना बड़ा नाम पढ़ने में ही कुछ टाइम लग जाए, इससे अच्छा मेटलर्जी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सिंपली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ स्लाइड को। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने मेंशन की यहाँ पे, कि ओर जो होता है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कौन कौन सी मेथड है। तो उसमें जो मेथड है वो हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड देन कम्स विल्फी स्टेबल मेथड। ओके, ये सारे आपको पता होना चाहिए। देन कम्स हाइड्रोलिक क्लासीफायर, जैसे कि आप जानते हैं इसमें पानी नीचे से आता है और जो लाइट पार्टिकल है उसे सेटल नहीं होने देता, वो साइड चैनल से बह के निकल जाते हैं, और जो दूसरा होता है हेवी वो सेटल हो जाता है, और जनरली उनके लिए यूज़ होता है जिसमें मेटल हेवी होते हैं, जनरली आयन के लिए यूज़ होता है ये। देन कम्स मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें इधर मेटल और दी इम्प्योरिटी एनी वन ऑफ देम शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, दोनों भी, ऐसा नहीं कि नॉन मैग्नेटिक है या दोनों भी कंप्लीटली मैग्नेटिक है, तो ये केस में ऐसे मेथड यूज नहीं होंगे। चलिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ टेक्स्ट बुक का, जैसे कि कैसेटेराइट है, जिसे हम टिन स्टोन के नाम से भी जानते हैं, SNO2, और ये मिलता है उल्फ्रामाइट के साथ। उल्फ्रामाइट इज FeWO4, इट इज़ एन ओर ऑफ टंगस्टन, और ये क्या होता है, ये होता है मैग्नेटिक, और SNO2 जो होता है वो होता है नॉन मैग्नेटिक। तो उसे सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे वाले मेथड पे, जिस पे हम पढ़ते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। तो बच्चों ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। ओके, सल्फाइड ओर क्यों, क्योंकि उनका नेचर थोड़ा कोवेलेंट होता है, और कोवेलेंट नेचर होने की वजह से वो इजीली ऑयल में एंट्री कर लेते हैं। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सिल्वर सल्फाइड के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, आप इसे ध्यान रख लीजिएगा। देन कम्स लीचिंग, तो लीचिंग में आपके पास बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन है, मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्साइट, जो कि आप अपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। ओके, लीचिंग में सिंपल हम करते क्या है, एक सॉल्वेंट लेते हैं और जिसमें हम और के सोल्यूबल पार्ट को डिजोल्व कर लेते हैं और इनसोल्यूबल पार्ट को अलग कर लेते हैं। हालांकि ये मेथड गोल्ड और सिल्वर के लिए भी होता है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट सच एज साइनाइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, और जिसमें गोल्ड और सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जिसे हम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से, जैसे कि जिंक विंक से रिएक्ट करके अपने जो प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, उसको अलग कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो एल्यूमिनियम, वो तो बेयर्स प्रोसेस आपको पता ही होगा। ओके, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, कि क्रूड मेटल को आप रिफाइन कैसे करोगे। तो सबसे पहले है लिक्वेशन, ये मेथड तब यूज़ होता है जब मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। तो इसमें ऐसे स्लोपिंग हर्थ होता है जिसमें मेटल मेल्ट होके इजीली बह जाता है, और जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर ही रह जाती है यहाँ पे, तब ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। देन कम्स पोलिंग, पोलिंग में हम क्या करते हैं, ग्रीन लॉग ऑफ वुड को इंसर्ट कर देते हैं मोल्टेन मेटल में, और जनरली ये मेथड यूज़ होता है टिन और कॉपर के लिए, काफ़ी ओल्ड मेथड है तो जनरली यूज़ नहीं करते करेंट टाइम में। देन कम्स इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये उनके लिए यूज़ होता है जो कि काफ़ी हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल हैं, सच एज एल्यूमिनियम, निकल, या फिर आपको रिफाइनिंग बहुत हाई क्वालिटी की चाहिए हो, तभी आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है जोन रिफाइनिंग,
जोन रिफाइनिंग में हम जनरली जो हमारा सेमीकंडक्टर टाइप मेटल है, सेमीकंडक्टर टाइप मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन ले लीजिए आप, जर्मेनियम ले लीजिए, और जिसमें हाई प्योरिटी चाहिए रहती है, उसके लिए हम जेन रिफाइनिंग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हम करते क्या है, हम जिसको रिफाइन करना है उसका एक रॉड बना लेते हैं और उसे गर्म करते हैं इंडक्शन फर्नेस की प्रेजेंस में। अब इंडक्शन फर्नेस क्या करता है, ये हीट करता है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, मतलब सपोज़ यहाँ से यहाँ। तो होता क्या है, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो खुद को हॉट जोन में स्टेबल पाती है, तो हम बार बार हीटिंग लेफ़्ट टू राइट कर करके, लेफ़्ट टू राइट राइट करके इम्प्योरिटी को एक कॉर्नर में सेटल कर देते हैं और उसे फिर कट करके निकाल देते हैं। और इसका कटा हुआ पार्ट फेंकते नहीं, क्योंकि उसमें होता है प्रीसियस मेटल्स, ठीक है? तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है वेपर फेज रिफाइनिंग। तो इसमें हमारे पास दो मेथड है, एक है मॉन्स प्रोसेस और एक है वैन आर्कल्स प्रोसेस, ठीक है? तो मॉन्स प्रोसेस जो है वो निकल के लिए यूज़ होता है, और वैन आर्कल जो होता है वो जिरकोनियम के लिए यूज़ होता है। तो आपको आई होप ये पता होगा, ठीक है? तो ये मेथड भी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर आपको ये सारे जोन रिफाइनिंग और ये सब जानना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना के रखी है, एक मतलब एक टू कंप्लीट प्लेलिस्ट है हमारी मेटलर्जी की, जिसमें आप इजीली जाके पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए बच्चों। ओके, तो ये था हमारा जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर में आगे की तरफ, एक्सट्रैक्शन जो मेटल्स के हैं जैसे कि कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनके रिडक्शन प्रोसेस के बारे में आप बच्चों ज़रूर पढ़ लिया जाए पढ़ लेना। जैसे कि सारे मेटल्स आपने देखा होगा ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं, फिर उसे हम अलग करते हैं मेटल से, ठीक है? तो मेटल्स के, इन सारे चारों मेटल्स के आप रिडक्शन पार्ट को पढ़ लीजिएगा, तो आपका मेटलर्जी वाला पार्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपको मेटलर्जी से कोई डाउट भी होगा तो प्लेलिस्ट में बेफिक्र होके जाइए, और वहाँ पे मैंने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा रखा है, तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर स्मॉलेस्ट चैप्टर विच इज़ हैविंग वेटेज ऑफ ओनली 3 मार्क्स। ओके, इज डन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ द बिगेस्ट वन, और ऐसे कहते हैं कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, जनरली बच्चों का पढ़ के नहीं होता, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो पी ब्लॉक, मैंने जो इम्पोर्टेंस दिए हैं आप वो पढ़ लीजिए, 65 to 70% बिल्कुल आ जाएगा। चलिए देखते हैं पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में आपने देखा कि ग्रुप 15, जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ PCl3 एंड PCl5। जी, PCl5 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और PCl3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, काफ़ी डिटेल में स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, और हो सके तो आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को याद रखिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। देन कम्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर आपको पता हो तो चैप्टर के एंड में फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड दिए हुए हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो कि होता है H3PO4, देन कम्स फॉस्फोरिक एसिड, देन कम्स फॉस्फोरस एसिड, ऐसे सारी सीरीज दी हुई है फॉस्फोरस एसिड की, आप उसे पढ़ लीजिए। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हम फॉस्फीन को बना सकते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? देन कम्स रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कॉपर एंड जिंक। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि एक केस में आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगी और दूसरे केस में आपको मिलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कॉपर एंड जिंक। और फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद नॉन मेटल, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन और फॉस्फोरस। आप जानते हैं कि ये उनको उनके ऑक्सी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, तो फॉस्फोरस बना देगा फॉस्फोरिक एसिड, आयोडीन बना देगा अपना आयोडिक एसिड, एंड देन कम सल्फर विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, एंड कार्बन विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। और हम सब जानते हैं कि जो कार्बोनिक एसिड है वो अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाएगा H2 और CO2 में। देन कम्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट आयन के लिए है, जिसमें टेस्ट ट्यूब के सेंटर में एक ब्राउन रिंग बन जाती है, और इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो होता है
concentrated H2SO4 and freshly prepared FeSO4, which is added from the side of the test tube. Okay, next आता है structure of ammonia और उसका manufacturing का process. बच्चों आपको ये जरूर पता होना चाहिए. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेबर्स को अमोनिया बनाने के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था. क्यों? क्योंकि अमोनिया बनाने के बाद हमें अवेलेबिलिटी होने लगी अमोनियम नाइट्रेट जैसे फर्टिलाइज़र की, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई और ग्रीन रिवोल्यूशन स्प्रेड हुआ या फिर ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ. ठीक है, तो ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है. तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, उसके रिएक्शंस आपको ज़रूर पढ़ने हैं बच्चों. देन कम्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड हैं जैसे N2O, NO, NO2, N2O3, देन कम्स N2O4, N2O5. ये सारे अलग अलग टाइप के आपको पढ़ लेना है, जिसमें कि N2O और NO जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. NO2, N2O3, N2O4 मोस्टली ये जो सारे होते हैं वो एसिडिक टाइप के होते हैं. तो एक टेबल बना हुआ है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, आप वहाँ से देख के इसे पढ़ लीजिए. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड ग्रुप 16 में. तो आपको पता होगा ऑक्साइड्स जो अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड जो कि नॉन मेटल का होता है, देन कम्स बेसिक ऑक्साइड जो कि मेटल का होता है, फिर उसके बाद आता है एम्फोटेरिक जैसे कि जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है, जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग सारे भिखारी गए भाग, जिससे आपको सारे एम्फोटेरिक वाले याद हो जाएंगे. और जो नेक्स्ट आता है वो है न्यूट्रल. तो न्यूट्रल में हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. ओके, तो ये न्यूट्रल टाइप के ऑक्साइड हुए. देन स्ट्रक्चर ऑफ O3 एंड SO2. SO3 जो O3 जो है वो बेंड स्ट्रक्चर होता है, और SO2 में आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये भी बेंड शेप का ही होता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, जो कि होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से. इसमें हम सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के पहले SO2 बनाते हैं, फिर SO2 को कन्वर्ट करते हैं SO3 में, और फिर SO3 को हम पास कर देते हैं H2SO4 में बच्चों. तो ये बना देता है H2S2O7. आप कंफ्यूज मत होइए, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसे ज़रूर ओपन कर लीजिए, और आप देखेंगे कि जो भी मैं कुछ बोल रहा हूँ इट्स लिक टू लाइक ये टेक्स्ट बुक ओनली, और उसमें ये मेंशन है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, जिसमें सबसे पहला है कैरोज एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5. देन कम्स मार्शल एसिड H2S2, और ये हो जाता है O8, H2S2O8. देन कम्स डायथाइनस एसिड, इसमें आता है डायथाइनिक एसिड. तो डायथाइनस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, H2S2O4. और वही अगर आप डायथाइनिक का देखें तो वो होता है H2S2O6. ठीक है, देन कम्स एलोट्रोप ऑफ सल्फर, इसमें रोम्बिक सल्फर, ओके रोम्बिक, ऑर्थो रोम्बिक, देन कम्स मिल्क ऑफ सल्फर. ये सब आप पढ़ लीजिएगा सरसरी निगाहों से. सरसरी निगाहों से मतलब कि इफ़ टाइम परमिट्स, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भी पढ़ लेते हैं तो आपका अगर अच्छे से रिविजन नहीं हुआ है तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिवाइज ईच एंड एवरी थिंग ड्यूरिंग दी एग्जाम. ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, आप ग्रुप 16 के ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लीजिएगा और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, मैं तो यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आप उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ लीजिएगा कंपेयर टू ग्रुप 15, क्योंकि ग्रुप 15 के कंपेयर में इनकी साइज़ बड़ी होती है तो इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए. बट ग्रुप 15 जो है उसमें हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगती है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. और जो लास्ट में आता है वो है ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड मतलब क्या. जैसे कि जो फैमिली मेंबर है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलीरियम, इनके ऑक्साइड्स का क्या अलग अलग ऑर्डर है, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे है. हालांकि जो टेक्स्ट बुक में दिया होगा आपको, जितना आपको बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ भी आप मत सोचिएगा, क्योंकि उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है. तो ये था ग्रुप 15 और ग्रुप 16. चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की तरफ. तो ये आ गया हमारा ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18. तो मैं अगर आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल के जो चारों ग्रुप हैं बच्चों, जो चारों ग्रुप हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो है वो ग्रुप 17 है, क्योंकि आपको इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं.
ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। आप जैसे ही टेक्स्ट बुक खोलेंगे ग्रुप 17 में, आपको एंड में मिल जाएगा XX-XX-3, XX-5, XX-7। तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन, वो बच्चों आपको पता होना चाहिए। इसमें जो एक्स डैश है वो स्मॉलर हेलोजन है और जो एक्स है वो बिगर हेलोजन है। ओके, आपको उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे इतने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप उनका स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लें बच्चों। देन कम्स ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन में एसिडिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें एसिड, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, HClO4, HClO3, HClO2, HClO, ओके, ये सारी सीरीज है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4 होगा, और लेफ्ट टू राइट जाते वक्त जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि H+ लूज करने के बाद किसका कॉन्जुगेट बेस काफ़ी स्टेबल है। तो आप देख रहे हैं कि HClO4 में चार ऑक्सीजन आटम हैं, तो वो अच्छे से स्टेबलाइज कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ कोल्ड एंड हॉट अल्कली। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे ज़रूर करके जाइएगा। इसमें होता है एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दोनों में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें अगर आप हेलोजन को कोल्ड एंड हॉट अल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे जैसे कि आपने Cl2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपको मिल जाएगा NaCl+ NaClO2, ऐसे कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसे ज़रूर देख लीजिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स मतलब HCl, HBr, HI, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, फिर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ, इससे रिलेटेड जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो प्यारे बच्चों आपको ज़रूर आना चाहिए। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ Cl2 एंड HCl। इनके प्रिपरेटरी मेथड आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ कम टू ग्रुप 18 एलिमेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले इनर्ट गैसेस की यूजेस को लिख दिया है, क्योंकि हाँ बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आया है, इसमें से MCQ बहुत ज़्यादा बार बनता है बच्चों। एंड नॉट ओनली इन लाइक यू नो दिस बोर्ड एग्जाम, नीट जैसी प्रेस्टीजियस एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आप देखेंगे सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गेन, फिर क्रिप्टेन, और फिर लास्ट में कहीं जाके आता है ज़ेनॉन। और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज। और हम जानते हैं जिसकी साइज छोटी उसका इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट, और जिसकी साइज बड़ी उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। ओके, हालांकि इसमें साइज को लेके थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटीज हैं, जैसे नाइट्रोजन का जो साइज है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में बड़ा ही है, बट फिर भी उसको एनर्जी ज़्यादा लगती है निकालने के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड होता है वो। देन कम मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर कुछ इसी तरह से होता है, हीलियम से ज़्यादा नियॉन, नियॉन से ज़्यादा आर्गेन, आर्गेन से ज़्यादा क्रिप्टेन, और इसके पीछे रीजन है द वीक लंडेन फोर्स, जिसे हम मोमेंटरी डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के नाम से भी जानते हैं, या फिर डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ, लिक्विफिकेशन टेंडेंसी। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज लिक्विफिकेशन टेंडेंसी? तो सिंपल है कि कौन जल्दी लिक्विफाई होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका साइज बड़ा उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी जिसका साइज बड़ा उसका लंडन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जिसका लंडन फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग उसमें लिक्विड बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लिक्विड होता है उसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो गैस के कंपेयर में स्ट्रांग होते हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। देन कम सोल्युबिलिटी इन वाटर। हालांकि इनर्ट गैसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और उनकी सोल्युबिलिटी वाटर में की जाती है जनरली एट अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे इन्हें डिजोल्व किया जाता है वाटर में, और अगर आप देखेंगे इनर्ट गैस को अगर वाटर में आप डिजोल्व करके फ्रीज कर देते हैं तो वो बना देता है क्लैथरेट। हालांकि क्लैथरेट आपने आप काफ़ी डिटेल में सुनोगे इन द सिलेबस ऑफ JEE एंड NEET। ओके, क्लैथरेट एक स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1। नाउ योर वर्क इज़
to take the important and keep on practicing all those questions. ओके और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के चक्कर में भी आप ना पढ़ें तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जो इम्पॉर्टेंट के बारे में बताएंगे, तो आप कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर दीजिए. मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेरी ही वीडियो सिलेक्ट कीजिए, बट कोई भी अपने एक मनचाही वीडियो देखिए और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एक पेन और पेपर पर लिख लीजिए और उन सबको सॉल्व कीजिए, रिवाइज कीजिए टाइम के साथ. एंड आई एम श्योर यू विल क्रैक दिस बोर्ड एग्जाम एंड यू विल गेट अ रियली गुड मार्क्स. ओके तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, अभी भी टाइम बहुत सारा आपके हाथ में है. स्टिल देर इज़ अ टाइम ऑफ टू ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स. ये जो नवंबर मंथ चल रहा है इसमें कुछ दिन बाकी हैं, देन कम्स दिसंबर और फिर जैन भी है आपके पास. तो अगर आप अभी से अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देंगे तो आई एम क्वाइट अ लॉट श्योर कि आप काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे. ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा. कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए. ओके हैसल फ्री एकदम, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा इफ़ आई एम अवेलेबल इजीली. ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इम्पॉर्टेंस. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. बाय बाय.